हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डिशा एकेडमी। तो ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। हम इसमें देखेंगे कि ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर जो हम सीख रहे हैं उसमें हम ऑर्डर पंच कैसे करेंगे। तो हम सीधा आप इधर से शिफ्ट हो गए सॉफ्टवेयर पे। ये हमने खोल रखा है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में निफ्टी की सारी कंपनियाँ आपको सामने दिख रही है। इसमें आपको सिंपली कोई भी कंपनी लेनी है तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। इधर बाय स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको बाय स्क्रिप्ट करना है। उसमें ऑर्डर टाइप में देखना है आपको बाय करना है कि सेल करना है। जैसे ही आप सेल करेंगे जो पूरा पॉपअप जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो लाल हो जाएगा। जैसे आप वापस बाय करेंगे पूरा जो पॉपअप है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इधर एक्सचेंज आपको NSE रखनी है या BSE रखनी है, एज़ पर योर कम्फर्ट आप लगा सकते हो। स्क्रिप्ट नेम हमारा देख लेना है कि हाँ अदानी एंटरप्राइज। इक्विटी इधर बाजू में क्वांटिटी आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। जैसे आपको 100 क्वांटिटी लेनी तो आप 100 क्वांटिटी दबाओ, 10 क्वांटिटी लेनी 10 क्वांटिटी दबाओ। डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या है? डिस्क्लोज क्वांटिटी मींस के समझ लो कि आपको एक साथ 100,000 स्टॉक्स खरीदने हैं, 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने हैं अदानी एंटरप्राइज के। तो आप मार्केट में डिस्क्लोज करेंगे, समझ लो कि आपको 1,000 स्टॉक्स खरीदने, तो आप मार्केट में डिस्क्लोज करेंगे 10 क्वांटिटी। पहले ये 10 क्वांटिटी जो आप डाल रहे हो डिस्क्लोज वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद और 10 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद और 10 एग्जीक्यूट होगी। वैसे आप 100 कर देंगे तो पहले 100 क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वापस 100 होगा, उसके बाद वापस 100 होगा। ऐसे करके डिस्क्लोज क्वांटिटी का यूज़ होता है। तो इसमें आपको समझ लो 100-200 क्वांटिटी डालनी है तो डिस्क्लोज क्वांटिटी का ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। उसके बाद में ये आपको ऑर्डर डालिए 10 स्टॉक्स। अगर आपको इधर अभी ये भाव चल रहा है 2393, अगर आपको 2390 पे लेना है तो आपको सीधा इधर 2390 डाल के रख देना। अगर आपको मार्केट भाव पे लेना है, आप 0 डाल के भी लेंगे तो ये मार्केट भाव पे आ जाएगा। उसके बाद ये है ऑर्डर टाइप। सबसे पहले नॉर्मल ऑर्डर जो हम कर रहे हैं वो एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें आप अगर समझ लो कि ये आपने क्वांटिटी कितने पे ली 2390, उसके बाद आपको बुक कितने पे कर रहा है ना है 2400 रुपये पे, और आपका स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा 2380। तो 2380 इतना करके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो आपको क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस दोनों एक साथ आप डाल सकते हो। और एक है TSL और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंडीशन आप इधर डाल सक सकते हो। किसान मतलब कि मार्केट प्राइस अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको 5 पॉइंट से ऊपर डालना है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंडीशन, स्टार्ट ट्रेलिंग एट व्हेन प्राइस रीच टू दिस लेवल। तो आपको इधर लिख देना है कि अगर प्राइस 2395 पहुँचे तो आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। तो आप इधर वो कंडीशन भी डाल सकते हो। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप। ये होते हैं GFD और एक होता है MyGF। पहले नॉर्मल ऑर्डर में आ जाएंगे। ये ऑर्डर नॉर्मल आपका आ गया। उसके बाद आता है ये ऑर्डर जो आप पर्टिकुलर अभी प्लेस करेंगे वो GFD मतलब गुड फॉर द डे, मतलब वो ऑर्डर आज के लिए ही वैलिड होगा। अगर आज वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एक होता है IOC ऑर्डर। IOC ऑर्डर मतलब इंस्टेंट और कैंसिल, इमीडिएट और कैंसिल, जो भी आपको समझ में आए वो नाम याद रख लो। इंस्टेंट और कैंसिल मतलब क्या होता है कि समझ लो कि आपने ऑर्डर डाला तो वो इमीडिएटली या तो आपके अकाउंट में सारे स्टॉक्स आ जाएंगे या तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इमीडिएट और कैंसिल का मीनिंग यही होता है। तो ये ऑर्डर हर बार क्या होगा, अगर आपको बार वगैरह सेलर वगैरह कोई मिल जा रहा है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आता है MyGTD। MyGTD मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर डेट तक आप अपना ऑर्डर खींच सकते हो। जैसे समझ लो कि ये आपको 23/10/2023 तक कभी भी 2390 के भाव पे आए तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर है इधर हम GFD में आ जाते हैं वापस। उसके बाद है प्रोडक्ट टाइप कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम इधर देख रहे हैं प्रोडक्ट टाइप इन्वेस्टमेंट। इधर में होगा बिग ट्रेड मतलब आपको समझ लो इंट्राडे के लिए मार्जिन वगैरह में कोई स्टॉक्स उठाने तो आप बिग ट्रेड में जाके कर सकते हो। एक बिग ट्रेड प्लस और बिग ट्रेड में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बिग ट्रेड प्लस में अगर समझ लो आप स्टॉप लॉस प्राइस वगैरह डाल के बुक प्रॉफिट एंड प्राइस डाल के आप आराम से कर सकते हो। एक होता है EMF इज इक्वल टू एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग में क्या होगा कि समझ लो कि आपके पास कुछ पैसे पड़े, 10,000 रुपये पड़े, तो आप 50,000 तक का माल ले सकते हो। तो उसमें आपको जो एडिशनली 40,000 रुपये दे रही है एक्सचेंज, उस पर आपको 18% ब्याज देना पड़ेगा सालाना। और वो सालाना समझ लो कि आपका ब्याज आ रहा है 12,000,
तो आपका हर महीने महीने हज़ार हज़ार रुपये कटता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि एक साल बाद 12,000 कटेंगे, हर महीने महीने आपके में से हज़ार 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 रुपये कटते रहेंगे। समझ लो कि आपने 6 महीने बाद आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी तो भी आपको सिर्फ 6,000 रुपये देने, बाकी के 6,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। मतलब जहाँ तक आप अपनी पोजीशन खींच रहे हो, जहाँ तक आपने अपने पास पैसे रखे, वहीं तक की अमाउंट का आपको ब्याज देना है। उसे बोलेंगे EMF, एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। एक बार इसमें याद रखने जैसे कि अगर आपने EMF में कोई क्वांटिटी बाय की है तो आपको EMF में ही सेल करनी पड़ेगी। अगर आप नई पोजीशन बेच रहे हो तो दोनों पोजीशन चालू हो जाएगी, एक जो EMF में बाइंग पड़ी है वो, और दूसरी एक नई पोजीशन जो शॉर्ट हो जाएगी वो। इधर करके आपको सिंपली ऑर्डर फिर बाद में प्लेस कर देना। ऐसे सेम होगा सेल में, सेल में भी आपको इजीली आपका कुछ हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी है, डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, और इधर नॉर्मल करके आपको इजीली इधर प्लेस कर देना है। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर एक और होता है सेल अगेंस्ट मार्जिन। जैसे आप इधर सेल करेंगे, इधर दिखाऊंगा SAM, सेल अगेंस्ट मार्जिन। तो सेल अगेंस्ट मार्जिन मतलब समझ लो कि आप कैश मार्केट के स्टॉक्स है, मतलब आप सीधे स्टॉक्स सेल कर रहे हो तो सीधे जाके आप नॉर्मल ऑर्डर में सेल नहीं कर पाएंगे। आपको सेल अगेंस्ट मार्जिन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको इस पर्टिकुलर मार्जिन पे सेल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा है शॉर्ट सेल मार्जिन, आपको कितना चाहिए, 70% आपको शॉर्ट सेल मार्जिन चाहिए। मतलब समझ लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो आपको शॉर्ट सेल करने के लिए मिनिमम 70 रुपये आपके अकाउंट में चाहिए, तो ये शॉर्ट सेल मार्जिन उसे बोलते हैं। तो आपको SAM पे जाके क्लिक करना है, फिर ही आप शॉर्ट कर सकते हो। इसमें भी ऑर्डर डिटेल सब सेम रहेगी, नॉर्मल ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर सब कुछ सेम रहेगा। ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैंने आगे भी बताया था कि व्हेन, इसमें दो कंडीशन है, मार्केट प्राइस और व्हेन प्राइस रीच। जब प्राइस वहाँ पे रीच होगी तब, या तो मार्केट प्राइस वहाँ पे होगी तब जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। समझ लो कि कोई स्टॉक का आपने स्टॉप टारगेट प्राइस रखा है 100 रुपया, अभी चल रहा है 90 रुपया, तो जब वो 95 आए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको ट्रेल मानना है। आपने 90 रुपये में लिया था, आपका टारगेट है 100 रुपया और आपने स्टॉप लॉस रखा है 80, तो जब आपको आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 95 रुपीज़ तक स्टॉक जा रहा है तो आपका जो 80 रुपये का स्टॉप लॉस है वो 85 आ जाना चाहिए या तो 90 आना चाहिए। तो आप इधर देख सकते हैं, मतलब मार्केट प्राइस इज गोइंग टू 90 और वेन द प्राइस रीच टू 90 तो आप इधर आराम से डाल सकते हो। यही सेम ब्रेक ऑर्डर हमने डाला था, इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बुक प्रॉफिट एंड आपका स्टॉप लॉस प्राइस, और ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर। सेल अगेंस्ट मार्जिन करना है तो अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप इधर जाके आराम से शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर डिटेल सारी आ गई है। इसमें एडवांस ऑर्डर में आपने बाई EMF देख लिया, सेल EMF देख लिया, सेल अगेंस्ट EMF मतलब एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग जो हमने बाय की थी वो, बाय बिकेड बिकेड प्लस TSL मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बाय ब्रैकेट जो हमने बताया वो, बाय ब्रैकेट TSL जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिमिट वगैरह बताया था वो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स है। अभी ऑर्डर एक बार पंच हो गए, इसके बाद हमें वो कहाँ जाके देखना है वो आएगा रिपोर्ट्स में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलके हम रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। रिपोर्ट्स में जाके भी डिफरेंट अलग अलग है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसमें कैश मार्केट के रिपोर्ट्स अलग जगह, डेरिवेटिव्स के रिपोर्ट अलग जगह, करेंसी की अलग जगह, कमोडिटी अलग जगह, तो हर एक ट्रेड आपको अलग अलग जगह जाके देखने पड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो अगले वीडियो में रखते हैं ताकि सब कुछ आराम से आप समझ पाओ। थैंक यू वेरी मच।